अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब। अज मैं तुहाडे नाल शेयर करने वाली हाँ कस्टर्ड की रैसपी। तो यह कस्टर्ड है फ्रूट कस्टर्ड। सब तो पहला मैंने थोड़ा जिहा 2 कप नूं लैके दुध नूं बॉयल किया, तो 1 कप दे विच ठंडा दुध दे विच ही कस्टर्ड पाउडर का 1.5 चम्मच नूं चंगी तरह मिक्स कर लिया। तो यह इसलिए ठंडे दुध च मिक्स किया है क्योंकि अगर आपां इहनूं गर्म दुध दे विच पा दिंदे आ तां इह गट्ठा बन जांदियां ने, इसलिए इहनूं थोड़ा जिहा अलग तो रख के दुध उहदे नाल चंगी तरह मिक्स कर दिता जांदा। जदों दुध जिहड़ा बॉयल हो जांदा, उह दुध नूं बॉयल होण तों बाद थोड़ा जिहा उहदे विच तुसीं अपने अकॉर्डिंग जिन्ना भी तुसीं मतलब मिठा पसंद करदे हो तां उन्ना कु शुगर मैं पाया। तो चंगी तरह मिक्स करन तों बाद नाल ही थोड़ा थोड़ा जिहड़ा इह बनाया सीगा कस्टर्ड पाउडर दा, कस्टर्ड पाउडर वाला जो दुध सीगा थोड़ा थोड़ा करके चंगी तरह मिक्स कर लिया। तो 2 तो 3 मिनट के बीच थोड़ा जिहा पकाया गया, तो जो थोड़ा जिहा हार्ड होने लग गया उस तो बाद मैं इनू गैस में बंद कर दिता सीगा। तो नाल ही मैं फ्रूट कट किए जिदा ग्रेप्स, पपाया, बनाना के थोड़े जे ड्राई फ्रूट और बहुत छोटे छोटे कट किए हैं। तो उस तो बाद जो दुध सीगा बॉयल किया, मतलब जो अपने ना तैयार किया ये कस्टर्ड, तो उहदे विच ठंडा होने तो बाद ये सारे फ्रूट उहदे विच मिक्स कर दिते। मिक्स करने तो बाद चंगी तरह इनू मतलब हला तो उस तो बाद मिक्स करने तो बाद इस फ्रिज के 2 या 3 घंटे के करीब इनू ठंडा होने के लिए रख दी। तो ये हूँ कस्टर्ड तैयार हो गया है। तो इन 2-3 घंटे बाद मतलब तुम आइसक्रीम की तरह चंगी तरह चिल्ड करना चाहते हो उदा खा सकते हो, अगर थोड़ा थोड़ा जहाँ वधिया लगता तो इदा ही। तो यदि जगह पर तुम ड्राई फ्रूट होर ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, कोई होर फ्रूट यूज़ कर सकते हो, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ अज का फ्रूट कस्टर्ड थोड़ू कि लग्या कमेंट करके जरूर दस्यो, लाइक भी करो, शेयर भी करो, इदा ही सूँ प्यार करते रहो। अल्लाह हाफिज़।